वेलकम टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल पे अगेन विथ अ न्यू व्लॉग। और मुझे पता है आजकल अपना व्लॉग है ना, हर टाइम अलग अलग टाइप में क्या बोलते हैं दिख रहा है आपको, तो आज भी कुछ अलग होने वाला है क्योंकि हमें अलग करना पसंद है दोस्तों। और अभी हम लोग निकल रहे हैं फिलहाल मुझे इशारा किया उस राइडर ने पता नहीं क्यों, पर अभी हम लोग निकल रहे हैं फिलहाल एक ज़बरदस्त चीज़ के लिए जहाँ हमें बुलाया गया है। सो बेसिकली सारे मराठा को बुलाया गया है, और अगर मराठा नहीं गया तो भाई मेरी खुद की डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। तो मराठा ऑन इट्स वे टू मराठा क्रांति मोर्चा ना बेबी गर्ल, जाना तो पड़ेगा, बुलावा आया है। तो यस, आज का व्लॉग यही है दोस्तों। आज मैं यहाँ से जाने वाला हूँ मुंबई, बट मुझे पता नहीं गाड़ी कहाँ पे लगने वाली है अपनी। तो बेसिकली अपनी गाड़ी लगने वाली है सानपाड़ा के यहाँ पे, क्योंकि मैंने मेरे पापा को कॉल किया था। मेरे पापा का कॉल आया था कि किधर है तू, कि क्रांति मोर्चा चालू होने वाला है, आया क्या नहीं अभी तक। पापा ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ना दोस्तों, कॉल है भाई, कॉल है, वहीं पे जा रहा हूँ अभी मोर्चा में। अभी भी लोग मोर्चा में ज्वाइन हो रहे हैं, अभी भी गाड़ियां है जो पीछे रह गई थी वो अभी निकल के आगे जा रही है। आगे मिलेंगे लोग, और बहुत लोग मिलेंगे भाई, और बहुत लोग मिलेंगे, देखने को मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि ये तो शुरुआत है भाई। अभी मेरे को जिस प्रकार से मेरे डैड ने बोला है कि गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है, मतलब तुम समझ जाओ मेरे घर के पहले दो स्टेशन्स, एक तुरभा और एक सानपाड़ा, दो स्टेशन से पहले गाड़ी लगानी है मेरे को, सानपाड़े में ही कहीं गाड़ी लगाएंगे, वहाँ ऑप्शन ही नहीं है भाई कुछ, मेरे को गाड़ी दूसरी जगह कहीं लगाने को, अंदर लेके जाने को अगर मिला तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन तो है नहीं गाड़ी लगाने को। लेट्स सी अगर मिला तो सही है, नहीं तो क्या है, दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास, जाएंगे पैदल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुंबई तक तो मुंबई तक जाएंगे, लेकिन मचा के आएंगे, मज़ा आ रहा है भाई। BMW पे येलो नंबर पे व्हाट द हेल, रुको, मैं स्लो कर रहा हूँ गाड़ी, थोड़ा स्लो कर रहा हूँ। ये देखो गाइस, BMW पे येलो नंबर प्लेट, भाई ये क्या दिन आ गए। उसमें कोई फॉरेनर और बैठा है, कोई फॉरेनर बैठा है उसमें, चलो कोई बात नहीं भाई, कोई होगी होटल की गाड़ी होगी, कोई बड़े होटल की गाड़ी होगी फॉर श्योर। बाप रे गर्दी, हाँ क्या लग रही है थार। और हम अपने मेन रास्ते पे आ गए, अभी लीन कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाली गाड़ी जाने नहीं, लीन नहीं, प्रॉपर लीन नहीं, रुपए जाते मावला आमी तो आमचा मल्हारी, मावला आमी तो आमचा मल्हारी, मल्हारी 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 शिवबा आमचा मल्हारी, मल्हारी 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 दोस्तों। अब हम लोग आ गए हैं बेलापुर के रोड पे, अपना हमेशा का और अपना हमेशा जो फेवरेट रोड रहेगा बेलापुर का, ये रोड जिसका नाम है पाम बीच। और हम वापस ट्रैफिक को चीरते हुए, सिग्नल आई गेस छूट चुका है, पर हम ट्रैफिक को चीरते हुए निकलेंगे अभी अपनी मंजिल की ओर। और मुझे बहुत सारे भगवे दिख रहे हैं, बहुत सारे झंडे दिख रहे हैं यहाँ पे भाई, आज कुछ अलग ही फील है, कुछ अलग ही फील है, माहौल ही कुछ अलग है, पर जो मज़ा आ रहा है ना आज गाड़ी चलाते समय। और अब हमारा तिरंगा, इसको सलामी देंगे, ये रहा हमारा तिरंगा, भारत माता की जय।
पर आगे बढ़ते चलो। कद्दू भी नहीं जाएंगे। आराम से रुकेंगे, सिग्नल छूटने दो फिर जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। और किधर किधर जाने का नहीं है सिग्नल तोड़ के। जस्ट सीन क्या हुआ पता है क्या, मैं आया वो साइड से बट मुझे ये दूसरे साइड से भेज, मतलब वहाँ पे ट्रैफिक वाले खड़े थे, ये साइड से भेजा है क्योंकि उस साइड से रोड बंद है, पता नहीं अब वो क्यों। ठीक है चलो बंद है तो अभी उन्होंने बोला बंद है तो बंद है ना भाई, बंद है तो बंद है, अपन यहाँ से निकलते हैं। और अपने अगो बे अगो बे अगो बे अगो बे कैसा अभी गहन कैसा अभी यहाँ से जाने का बोले तो ख़त्म है विषय, यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है जाना अगर बाई चांस यहाँ पे कुछ विषय हुआ तो ख़त्म है। सब पैक करे सड़ जाने के लिए भी गाड़ी नहीं, गाड़ी उस सड़ जाने के लिए भी जगह नहीं, कैसा करे। यहाँ से मैक्स अपन ले सकते हैं यूटर्न, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चार्ली बहुत बढ़िया, क्या तो डिसीजन मेकिंग है तुम्हारा मस्त। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से ना सुम में कुम कहीं पे हाईवे निकलते, वो वाला ठाणे जाने वाला हाईवे पे निकलते। चलो जो नीचे वाला टर्न मारा था ना जाने का वो नहीं मारेंगे, सीधा हाईवे जाएंगे, कौन सा वाला जो ठाणे जाता है, ठाणे के हाईवे से कवर करने घुसने में थोड़ी सी मदद होगी शायद, आई होप सो। ये एटलीस्ट प्रॉपर करने में घुसे हम, ये बड़ी बात है। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं वाशी में, ये बिल्डिंग तुमको लग रही है कि खाली, लेकिन ये नवीन बिल्डिंग बन रही है, नवी एकदम प्रॉपर नवी बिल्डिंग है। तुमको लोग दिखाता हूँ कहाँ कहाँ चढ़े लोग दिखेंगे ना, लेकिन ऊपर है ना लोग बहुत ऊपर तक, लोग बहुत ऊपर ऊपर तक लोग चढ़े। और मैं तुमको एग्जैक्ट कितनी पब्लिक है ना वो तुमको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि कैसा सीन है पता है क्या, बहुत डेंजर विषय है। और क्रांति मोर्चा है बोले तो डेंजर विषय होना ही है। सिक्युरिटी पिटिशनच्या माध्यमातून मिळणार आरक्षण आणि ते मिळेपर्यंत आणि सगळ्या सोयऱ्याच्या माध्यमातून जर एखादा माझा मराठा भाऊ हुकला तर त्यासाठी हे मोफत शिक्षण आणि ज्या सरकारी भरत्या तुम्ही करणार आहे आरक्षण मिळेपर्यंत त्या करायच्या नाही। शिक्षणात हा बदल करावा आणि तेही लवकरात लवकर द्यावं संध्याकाळ पोहोचत आजच 7 रात्र इथंच काढतो पब्लिक देखो। आम्ही आज 26 जानेवारीचा सन्मान करू, कायद्याचा सन्मान करू, आम्ही आज आझाद मैदानकडे जात नाही पण मुंबई मात्र आम्ही इथून सोडी। प्रशासनाचा किधर बैठे देखो, इतने ऊपर बैठे ना अपन, इधर से गए ना शांत भाई हो जाएगा, गर्दी भी बहुत डेंजर है, ऊपर भी लड़के बहुत ऊपर तक लड़के बैठे। ए,
बाबा कितनी पब्लिक है म्हणते कंटिन्यू चालू आहे शूटिंग ही शूटिंग ही शूट हे ब्लॉगिंग सॉरी सॉरी ब्लॉगिंग पण आणि लाईव्ह पण कंटिन्यू चालू आहे एका एका हातात गोप्रो आहे वेलकम वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स हम लोग अब निकल चुके हैं घर से क्योंकि मोर्चा ख़त्म हो चुका है फाइनली और अब घर जाने की बारी है अपना जो काम था वो अपन ने हो गया अपना करके अभी निकलने की गोली लेते हैं बट पता नहीं कि निकलते समय कितना ट्रैफिक हो सकता है तो ज़रा सा सावधानी से सतर्कता से जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत भयंकर ट्रैफिक भी हो सकता है या फिर एक साइड का पूरा रोड खाली भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमको ध्यान रख के जाना पड़ेगा और बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया पूरा रात नाचे पूरा दिन नाचे बहुत मज़ा आया और फाइनली जिस काम के लिए इतने सारी भीड़ जमा हुई थी वो काम हो गया और अब हम निकल रहे घर के लिए लेट्स सी अभी मेरे को गाड़ी में पेट्रोल दिख रहा है गाड़ी में पेट्रोल ज़ीरो है लिटरल ज़ीरो तो अभी हमको पेट्रोल थोड़ा भरवाना है पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं और फिर जाना पड़ेगा क्योंकि बिना पेट्रोल तो गाड़ी चलने से रही चलो मिलता हूँ पेट्रोल पंप पे चलो पेट्रोल भरा के हो गए अभी निकलते अपन सुम में खूम आगे मिलता बॉयस आगे एक ग्लव्स पहन के मिलता हूँ तो फाइनली गाइस हम लोग अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं मेन हाईवे पे बट एज यू कैन सी बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक लगने वाली है ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि बहुत गाड़ियाँ जा रही है भयंकर लेवल पे गाड़ियाँ जा रही है सही मैंने कुवाशी तुरबा क्रॉस किया है मुझे जीजी होने की शंका दिख रही है देखो बंधु अपने रुके ही है यहाँ पे हर जगह क्या बात है खाना खाने के लिए रुके चलो कोई घर जा रहे सब जगह पे खुशी का माहौल है मज़ा आ रहा है खून पर फाइनली बहुत सारे लोग अपना घरदार छोड़ के जो आए थे वो अपने अपने घर लौट रहे ये बहुत बड़ी बात है जिस लड़ाई के लिए वो आए थे वो लड़ाई कंप्लीट करके जीत के जा रहे वो बड़ी बात है हम भी निकले अपने बूट कैंप के लिए चले बूट कैंप जाते हैं बैक टू बेसिक बैक टू नॉर्मल वर्क काम करेंगे और बचाएंगे भाई लेट्स गो क्या है यहाँ पे जल्लो शेखुर क्या बात है नाच रहे मैं पनवेल में लेकिन जेन्युइनली बोल रहा हूँ पनवेल में भी इतनी ट्रैफिक है ना अभी क्या बोलूँ बहुत ट्रैफिक है पनवेल में भी अभी ट्रैफिक है धीरे धीरे जाने का ट्राई कर रहा हूँ पता नहीं अभी क्या सीन है अभी हम लोग यहाँ से बूट कैंप के लिए रवाना हो रहे दोस्तों क्योंकि अभी बहुत बहुत इतनी गर्मी हो रही है ना मेरे हाथ लिटरली स्वेट है अंदर ऐसे मेरे को फील हो रहा है लिटरल स्वेट फील हो रहा है बट ठीक है अभी क्या कर सकते हैं अभी निकलते और टाइम लगेगा 15-20 मिनट लगेंगे यहाँ से जाने के लिए सीधा बूट कैंप जाके मिलता हूँ आई गेस आपको ये सिग्नल भी 46 सेकंड का है भाई चलो कोई बात नहीं वहाँ पे जाके मिलते हैं तो गाइस दैट्स इट फॉर द व्लॉग और चलो अभी मैं जा रहा हूँ सोने और क्योंकि बहुत टाइम हो गया ऑलरेडी और सीधा मेरे को कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं सीधा मेरे को माफ़ कर दे आउटरो में बहुत लेट दे रहा हूँ लेकिन गुड नाइट गाइस मतलब गुड नाइट नहीं सबका मॉर्निंग है गुड मॉर्निंग तुमको मेरी गुड नाइट बाय बाय पीस आउट लव यू जय महाराष्ट्र